स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स आए हैं उनके बारे में। आज डेट है आपकी 14, ठीक है, आपका ये सेकंड पार्ट है हमारे वीडियो का। ओके, तो आज हम जो है फोर्थ क्लास का अर्ली डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने जो है कल पढ़ा था अवेकस, तो अवेकस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अवेकस होता क्या है। ओके, अवेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। अवेकस क्या था? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिससे जो है हम जो है कैलकुलेट किया करते थे, काउंटिंग किया करते थे। डेवलप्ड बाई चाइनीज अबाउट 5000 ईयर्स एगो, आज से 5000 साल पहले, 5000 ईयर्स पहले, साल पहले चाइनीज़ ने ये जो है बनाया था, ये डेवलप किया था। इट वॉज यूज फॉर काउंटिंग लार्ज नंबर्स, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स को जो है काउंट करने के लिए इसको यूज किया जाता था। एंड डूइंग अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, और इससे जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एज सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी इनसे जो है सॉल्व किया जाता, जैसे आप करते हैं ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसी टाइप से, ठीक है। और जो अवेकस है आपका इस टाइप से हुआ करता था, ऐसा होता था आपका अवेकस। ओके, सो नाउ इसमें आगे, एंड अवेकस कंसिस्ट ऑफ रॉड्स ऑन विच सेट्स ऑफ वीड्स आर इंसर्टेड। यहाँ पे क्या आपकी रॉड्स दिख रही हैं, ये लंबी लंबी रॉड्स दिख रहे हैं, इनके अंदर जो है ये वीड्स जो है अंदर इंसर्टेड होती थी, ठीक है। द रॉड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रिप्रेजेंट यूनिट्स, राइट से लेफ्ट की ओर जो है क्या रिप्रेजेंट कराती थी, यूनिट्स को। जैसे यहाँ ये राइट साइड ये है आपकी, इस राइट साइड से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इस टाइप से जो है ये रिप्रेजेंट कराती थी। कैलकुलेशन आर डन बाय स्लाइडिंग द वीड्स अक्रॉस द रोड, रॉड्स, इन रॉड्स पे जो है इन वीड्स को स्लाइड करके जो है क्या किया जाता था, कैलकुलेशन की जाती थी। वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप से जो है ये आगे चलता रहता था पूरी कैलकुलेशन। ओके, नाउ अब हम आगे आते हैं। आगे आपके लिए क्या है यहाँ पे, नेपायर वॉन्स हमने जो है वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। नेपायर वॉन्स में क्या है, इन 1617 जॉन नेपायर मेड ए मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस। जॉन नेपायर ने एक जो है मैनुअली, मतलब कि हाथों से ऑपरेट करने वाला, हाथों से हम जो उसको हैंडल कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था जिसको कहा गया था, जिसको जाना गया था किस नाम से, नेपायर वॉन्स के नाम से। इट वाज सेट ऑफ 11 रेक्टेंगुलर रॉड्स, इसमें जो है 11 रेक्टेंगुलर रॉड्स होती थी, ठीक है, मार्क्ड विद नंबर्स, उनके ऊपर नंबर लिखे रहते थे, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, यही आपका नेपेरियर वॉन्स है, ठीक है। इसमें रेक्टेंगुलर रॉड्स हैं 11, ठीक है। दीज रॉड्स वर यूज टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन, इन रॉड्स को जो है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए यूज किया जाता था। लेटर ऑन इम्प्रूव वर्जन ऑफ दिस डिवाइस, जब इसके बाद इसको जो डिवाइस को जब इम्प्रूव किया गया, इसमें जो है दूसरा वर्जन जब लाया गया, इसके इम्प्रूव किया गया, डिवाइस वॉज यूज फॉर डिवीजन, इसके बाद इसका जो है डिवीजन के लिए भी यूज करने लगा, कि मतलब हम जो है इसमें डिवाइड करने भी लग गए। एंड फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर, और नंबर्स के स्क्वायर रूट्स भी निकालना हम सीख गए थे। तो स्क्वायर रूट्स तो आप जो बहुत आगे सीखोगे, अभी जब आएंगे आपकी मैथ में आएगी स्क्वायर रूट, जब आप सीखोगे, डिवीजन आपने सीखा होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा होगा मैथ में, ठीक है, ये जो है इस काम में आता था। नेक्स्ट, अब जब हम इससे आगे चलते हैं, और तो इससे आगे आपका क्या है, पास्कलाइन जो है क्या है, एक विलेस पास्कल के द्वारा ये जो है एक डिवाइस बना गया। इसमें क्या होता है, विलेस पास्कल इन्वेंटेड ए कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड पास्कलाइन और पास्कल, ठीक है। ये जो है विलेस पास्कल के द्वारा जो है एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट किया गया, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस को जो है बनाया गया, जिसका नाम रखा गया पास्कलाइन और पास्कल। एडिंग मशीन बिटवीन 1642 एंड 1644, ये जो मशीन जो है आपकी बनी थी 1642 एंड 1644 के करीब जो है इसको जो है ऐड किया गया था मशीन को। इट हैड ए वुडन बॉक्स, इसमें जो है क्या है, एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, विद 8 मूवेबल व्हील्स कॉल्ड डाइल्स, इसमें जो 8 मूवेबल व्हील्स हैं, ये जो आपको दिख रहा है फिगर ऐसा, ठीक है, इसमें 8 मूवेबल व्हील्स हैं, ठीक है, 8 मूवेबल व्हील्स। ओके, दीज डाइल्स वर मूव्ड क्लॉकवाइज और एंटर
नंबर्स, ये जो डायल्स हैं ये जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है ना, यूँ घूमती है ना आपकी घड़ी घर की, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जो है ये जो व्हील्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये व्हील्स जो हैं क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, और नंबर्स को एंटर करते हैं कैलकुलेशन होते समय। इट कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स, इसके द्वारा हम जो है ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रिपीटेशन, और फिर जो है डायरेक्टली तो ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और उसको जब अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो उसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं तो हम इससे जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।